Good morning everyone, welcome back to Ratri's Life Corner. Bye bye Luna! So finally we are leaving Pune, right? Right. And? Journey started. अभी 13-14 आवर्स का बात है ये बच्चे लोग कैसे हैंडल करेंगे सबसे ज्यादा टेंशन की बात इसका ही है कि 6 को टैकल कैसे करनी है और कीकी का ये सच में माउथ ड्रिपिंग स्टार्ट हो गया है हाँ माउथ ड्रिपिंग स्टार्ट हो गया है हम लोग एक एक करके एक्सपीरियंस करते हुए जा रहे हैं पहले कीड़ों को लेके हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया फिर कीड़ों कीकी को लेके किया अभी कीड़ों कीकी के साथ 4 बच्चों को लेके कर रहे हैं तो ओवरऑल इट्स अ यू नो एक्सपीरियंस जो है ये बहुत ना ऐसा कुछ सीखते हुए जा रहे हैं एनीवेज हम लोग जैसे ही बढ़ते रहेंगे वैसे ही आप लोगों से शेयर करते हुए जाएंगे एंड थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे हम आगे की जो जर्नी है उसको क्या करेंगे इसको जानने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा बने रहना तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं चाय पीने के लिए थोड़ा गाठिया वगैरह भी हमने खरीदा था उस दिन तो वो भी हमने खाया अभी चाय के साथ और थोड़ा चिप्स वगैरह भी ले लिया हमने बोलो और मेरा जो फेवरेट है हाँ ये ले लिया क्रीम रोल अच्छा 3-4 मैं खा सकता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ कोई प्रॉब्लम अच्छा होल्ड है मगर हाँ दादा आप अमृत तुल्य खोल लेते आपको मिल गया हाँ और दिल की बात सुन लिया मेरा ड्रेस दिखा दो इतना स्टाइल करके हम ड्रेस पहन के आए पेट में खा के आज का मेरा आउटफिट हाँ मुझे कुछ कैजुअल सा पहनना था ये लूज हो रहा है पता नहीं क्यों मेरा पेट बहुत बुरा है एनीवेज कैसा भी हो काम चलाने लायक होना चाहिए कंफर्टेबल होना चाहिए यस आई एम कंफर्टेबल और कोई प्रॉब्लम है अभी हम आगे चल रहे हैं चेंज करने की बाड़ी है अभी सवाई के हगीज पूरी है तो फाइनली गाइस बहुत देर तक घूमते अभी बज रहा है ऑलमोस्ट टू हम लोगों को खाने का कोई जगह नहीं मिल रहा था सोलापुर के बाद हम लोगों को पहले खा लेना चाहिए था बट हम लोगों ने नहीं खाया एंड 9 बजे के अंदर अगर आप नहीं डिनर करोगे तो ऐसा ही हालत होगा अगर इस टाइम निकलते हो तो हमारे जैसे yes. अगर आप लोग निकलते हो तो वेरी फास्टेड बिकॉज़ वी आर वेरी हंग्री और ये जीतू ढाबा जो है थोड़ा सा दिखा दीजिए आप पहले हम लोग जहाँ पे आके खाए थे वहीं पे आज भी हम लोग आए हैं खाने के लिए तो यहीं पे फाइनली हम लोगों को मिला आखिरी 2 बार तो मॉर्निंग था पेट में चूहा दौड़ रहा था और ये जीतू उस बार भी आप लोग जो लोग ब्लॉग हम लोगों का देखते होंगे उन लोगों को पता होगा कि इससे पहले भी ऐसा ही हुआ था जब हम लोग आ रहे थे पुणे तभी हम लोगों को खाने का कोई जगह नहीं मिल रहा था एंड फाइनली जाके हम लोग जीतू ढाबा में आके हम लोग खाए ये 2 बार ऐसा हुआ था और 3रा बार वो बचा लिया हमको गोपाल दास परवेज जी एक फ्राइड राइस ले रहा है लेकिन वो एक थोड़ा सा रिस्की होगा हम दोनों के लिए इसलिए मैंने बोला कि जीरा राइस के साथ वो पनीर बटर मसाला ऐसा कुछ वो खा ले
साहब, किकी साहिबा, ये सब खा लिया है और छोटे छोटे बच्चे भी। उन लोगों को पहले खाना खिला दिया गया था। हाँ, नहीं तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। सुबह होने का इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं हम लोग, ताकि कब हम लोग हैदराबाद पहुँचें एंड जाके थोड़ा सा, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है। इस बार भी इन लोगों ने डिसअपॉइंटेड नहीं किया, जैसे मैंने बोल रहा था कि पिछले दो बार उन्होंने पहुँचा दिया था हमको, पिछले बार भी बहुत अच्छी तरीके से पहुँचा दिया। हम लोग गाड़ी को छोड़ के वहाँ नहीं जा सकते बिकॉज किलो लोग हैं यहाँ पे, इसलिए उन लोगों ने यहाँ पे बैठ के खाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया। हेलो मैडम किकी, आँखों में गंदा, अब ये कहाँ पे बैठे हो? आपको यहाँ पे मजा आ रहा है? आ रहा है मजा? हाँ, ये पैटीज देखा है अभी अभी, ये पैटीज हम लोग तो जानते हैं कि इतना सा होता है। अरे दूर, पहले से इतना बड़ा पैटीज मैंने जिंदगी भर नहीं देखा, मेरा इतना उम्र हो गया है। देखियो ना, अब दिखा भी दो सबको। चलो चलो चलो, अभी हम लोग हैदराबाद घुसने वाले हैं। आप घुसा रहे हो मेरे मुंह में। उससे पहले थोड़ा चाय की चुस्की लेना ज़रूरी था, क्योंकि निन्नी इतनी ज़्यादा आ रही थी कि दिमाग ख़राब हो रहा था। तो हमने इतना सुंदर जगह देख के हमने गाड़ी को रोकने के लिए बोला परवेज साहब को, और हम लोगों को ने सोचा कि हम लोग थोड़ा चाय पी लेते हैं। अगर आप लोग अच्छे से देखोगे ना पीछे, थोड़ा दिखाओ गोपाल का केक पाइप, सुल्तानी टी, ज़फरानी टी, ऐसा टी का वैरायटी है यहाँ पे। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे पान पैलेस बोल की भी शॉप एक है, जहाँ पे आपको वैरायटी का मतलब होता है ना कि पान का जो वैरायटी होता है वो मिलेगा, बहुत सारी वैरायटी का पान मिलेगा। लेकिन पैटीज इतना बड़ा, मैंने सोचा था ये पैटीज है इतना बड़ा, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फ्यूजन था इसलिए पूछने के लिए चले आए फिर से। ये बिस्किट है, दिमाग खराब कर रहे थे पैटीज पैटीज करके। तो गाइज, हमने सारा काम खत्म करके नहावा के थोड़ा खाना मतलब लंच करके हम लोग निकल पड़े हैं चार मीनार के लिए, क्योंकि मुझे वहाँ से करनी है शॉपिंग। और मैंने वहाँ से क्या क्या शॉपिंग किया ये आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा, वहाँ पे मैं डिटेल्स में सब कुछ आप लोगों से शेयर करूँगी। अमर गुड बॉय, गोल्डन बॉय, गोल्डन बॉय।
गोपाल दा बताइए कैसा लगा ये हमारा क्या है चारमीनार? चारमीनार तो अच्छा लगा, और पहले पहले कब जैसे था ऐसा नहीं है, अभी थोड़ा चारमीनार थोड़ा चेंज हो गया। तो अच्छे की अच्छा हुआ या बुरा हुआ? काफी शॉपिंग मॉल हो गया अगरवाल में ना। शॉपिंग मॉल कहाँ पे था? अच्छा मैं तो स्ट्रीट के ऊपर ही मेरा ध्यान था। स्ट्रीट शॉपिंग हुआ है, मॉल नहीं, वो स्ट्रीट शॉपिंग हुआ है। नहीं मॉल भी था, हम लोगों ने उसको नहीं देखा। हाँ मॉल नहीं मगर स्ट्रीट शॉप जो हुआ ना, इतना गंजाम हो गया है कि वहाँ का जो एक्चुअली व्यू होना चाहिए वो चीज खत्म हो गया। सही में ऐसे अच्छे लग रहे हो आप ऐसे। ऐसे लेकिन अभी मेरा अच्छा सबको दिखाना चाहिए। बहुत भूख लगी है और सर दर्द है, बहुत लगता है क्रोसिन खाना पड़ेगा। और बिरयानी खाने से पहले पैन 40 पूरा मेडिसिन के ऊपर ऐड कर रहे हो क्या? पैन 40 का बच्चे लोग कहाँ चला गया? और किकी कहाँ पे है? ये किकी, किकी आपने हेलो बोला? किडो ने भी हेलो नहीं बोला। किसे हाथ फैला के सोया हुआ है देखो? बोल दिया। किसे हाथ फैला के मेरे बच्चे सोया हुआ है? ये तो सबको दिखा दिया लेकिन अपना फेस नहीं अभी तक दिखाया। खाऊ माऊ खाऊ मानुषीर गंध पाऊ। की অসাধারণ লাগছে তোমার দেখতে। আচ্ছা হটো। এ এ এ भूख बहुत जोर की लगी गाइस टेस्टी टेस्टी हैदराबादी बिरयानी के साथ। गुड नाइट।